देखो, वी हैव टू डिस्कस अबाउट द मोशनल ईएमएफ। ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेक्शन है ना, वहां दो फेनोमेनन है, ऑलमोस्ट दे आर आइडेंटिकल, लेकिन पढ़ने पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक था इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी लूप के थ्रू एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज का जो रेट होगा डी फाई बाई डी टी, उतना उसके अंदर एक ईएमएफ बन जाएगा। और अगर सर्किट कंप्लीट है तो उसी ईएमएफ के बनने की वजह से उस सर्किट में करंट भी होगा, जो पिछला टॉपिक का। अब आज के क्लास में हमारे पास क्या है कि मान लो ये हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है। आप अगर इस रॉड को एक भी वेलोसिटी से मूव कराते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो इसको कट करे, मैग्नेटिक फील्ड कट करना चाहिए, इसके पैरेलल नहीं होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड कट करना चाहिए, ओके? तो वैसे केस में कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है, उस पोटेंशियल के डिफरेंस को आप मोशनल ईएमएफ कहते हैं। अब दिमाग में स्टूडेंट्स के ये ख्याल आता है कि आखिर ये मोशनल ईएमएफ, सर तो बोल दिए कि कंडक्टर के दोनों एंड के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होता है, लेकिन आखिर ये पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप कैसे होता है? व्हाट इज मैकेनिज्म, व्हाट इज कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? तो चलो जी, स्टार्ट वहीं से करते हैं, ध्यान से चीजों को समझना। मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, मान लो हमारे पास एक रीजन है जहां एक क्रॉस बेफील्ड है बोर्ड के परपेंडिकुलर अंदर, और आप इस कंडक्टर को जिसका लेंथ एल है उसको आप राइट की तरफ भी वेलोसिटी से ले जा रहे हैं, ठीक है? अब मान लीजिए कंडक्टर का, वैसे तो इस कंडक्टर में कंडक्टर इसलिए चुना गया कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन आप किसी एक इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, अगर उसका वेलोसिटी राइट है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या उस पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऊपर की नीचे? नीचे नीचे सर, नीचे सर, अपवर्ड, डाउनवर्ड, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निगेटिव, चार्ज। अरे हाँ, इलेक्ट्रॉन तो पास। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स नीचे लगेगा। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि कंडक्टर के नीचे वाले एंड पे, माइनस डेवलप होगा, ओके? इलेक्ट्रॉन के एक्युमुलेशन से नीचे माइनस डेवलप होगा, ऊपर प्लस डेवलप होगा। जितना नीचे माइनस डेवलप होगा ऊपर उतना ही प्लस डेवलप होगा, बोलो सही है? शुरुआत में अगर हम बात करें, इनिशियली अगर तुम बात करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन। शुरुआत में मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले इंड पे इकट्ठा हो रहा है और ऊपर प्लस इकट्ठा हो रहा है, लेकिन सोचिए जैसे जैसे समय निकलेगा, ऊपर वाले इंड के प्लस और नीचे वाले इंड के माइनस के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। एज टाइम प्रोग्रेस देर इज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड इन साइड रॉड। रॉड के पॉजिटिव एंड से निगेटिव एंड की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा। कैसे सेटअप होगा, कितना सेटअप होगा, किधर सेटअप होगा, नाउ सी दिस। एक मिनट, ये रहा तुम्हारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ऊपर से नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इस वजह से जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, क्या ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस सर। तो देखो हुआ क्या है, पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड के बीच अगर तुम बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हुआ,
और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिधर हमारा मैग्नेटिक फोर्स था उसके अपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स स्टैब्लिश हुआ, पॉजिटिव एंड ऑफ। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अब देखिए बात कहां है, बात यह है कि शुरुआत में इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं था, शुरुआत में केवल और केवल मैग्नेटिक फोर्स था। इस मैग्नेटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस से इलेक्ट्रॉन नीचे के पार्ट पे इकट्ठा होते जा रहा था, इक्वल पॉजिटिव चार्ज ऊपर डेवलप हो रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रहा था और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स शुरुआत में ही ज्यादा था, ज्यादा था, आपको याद दिख रहा है ये ज्यादा था मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स एकदम कम था। जैसे जैसे समय निकलेगा मैग्नेटिक फोर्स के कारण से चार्ज एक्युमुलेट हो रहा है, लेकिन चार्ज के एक्युमुलेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हम ये नहीं बोल रहे मैग्नेटिक फोर्स घट रहा, हम बोल रहे इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कभी ना कभी तो ये मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेगा। यस सर। Yes, sir. After some time, शुरुआत में क्या है, तो शुरुआत में यह है कि मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा और इलेक्ट्रिक फोर्स छोटा है, ये शुरुआत में। But after some time, थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बिकम्स इक्वल, दोनों हो जाएगा बराबर, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों इस कंडक्टर पे हो जाएगा बराबर। अब बताओ उसके बाद उस समय तक जितना चार्ज इकट्ठा होना था, जितना चार्ज इकट्ठा होना था हो चुका। अब क्या फर्दर उसके बाद जब ये दोनों बराबर हो गया है, क्या उसके बाद भी चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा या रुक जाएगा? और नहीं होगा ना सर, और नहीं होगा, जितना होना था हो चुका, अब उसके बाद चार्ज का फर्दर एक्युमुलेशन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। अगर चार्ज का फर्दर एक्युमुलेशन नहीं हो रहा है नाउ एंड देन आफ्टर, तो ऊपर के प्लस और नीचे का माइनस भी अब नहीं बदला, तो ऊपर के प्लस और नीचे के माइनस के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस एस्टैब्लिश हो चुका है उसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इज दिस क्लियर? यस सर। उसको हम लोग कहते हैं मोशनल ईएमएफ। सो आफ्टर इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बिकम सेम, there is no further charge accumulation takes place, there is no further charge accumulation takes place, so potential difference across two ends of conductor is called motional EMF. So potential difference across two ends of conductor is called motional EMF. मतलब ऊपर वाला end positive, नीचे वाला end negative. इसका लेंथ L, मैग्नेटिक फील्ड B, अब देखा जाए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश हुआ है। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स बिकम सेम, इलेक्ट्रिक फोर्स को लिख लो QE, मैग्नेटिक फोर्स है BQB, ये चार्ज कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू बी फील्ड इनटू वेलोसिटी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना dv बाई डी आर। यस सर।
तो यहां लिख दिए पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे लिख दिए लेंथ इज इक्वल्स टू बी इनटू वी, तो आपको मिला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू बी बी एल। आप ऐसे दिमाग में रखो कि कंडक्टर के दोनों एंड के बीच का जो मोशनल ईएमएफ एस्टैब्लिश हो रहा है उसका वैल्यू है बी फील्ड इनटू वेलोसिटी इनटू लेंथ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम आपको इसमें कुछ पॉइंट्स बताएंगे। न्यूमेरिकल का दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके पास है। बोलिए किसी को कोई डाउट यहां तक समझने में कि मोशनल ईएमएफ का वैल्यू बीवीएल कैसे आया, कैसे कंडक्टर का एक एंड पॉजिटिव हो गया और कंडक्टर का दूसरा एंड नेगेटिव हो गया। समझ में आया कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये सब? सर बोलो ना सर, इलेक्ट्रिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से ज्यादा नहीं है? नहीं, क्योंकि जब एक बार इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जीरो हो गया तो उसके बाद तो वो इकट्ठा ही नहीं होगा, समझे? आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जब वो फर्दर इकट्ठा ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा ही नहीं, वहां जाके सब कुछ रुक जाएगा। एक बार जब मैग्नेटिक फोर्स के बराबर इलेक्ट्रिक फोर्स पहुंच गया उसके बाद अब कुछ नहीं होगा, चार्ज का कोई फर्दर एक्युमुलेशन नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का बढ़ना नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा नहीं, मैग्नेटिक के बराबर आके रुक जाएगा। ओके तो मोशनल ईएमएफ इज बीवीएल, बीवीएल। चलिए सर अच्छा है मोशनल ईएमएफ बीवीएल है, लेकिन ईएमएफ का मतलब बैटरी, ईएमएफ का मतलब बैटरी जिसका टर्मिनल प्लस माइनस होता है। आखिर इसका टर्मिनल प्लस माइनस का डिसीजन कैसे लेंगे, समझे? मैग्नीट्यूड है बीवीएल। अब हम आपको इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे, गौर से सुनिएगा, सारा न्यूमेरिकल उधर ही है बीवीएल। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज, इन मोशनल ईएमएफ बीवीएल ऑल थ्री कौन थ्री कौन थ्री बी भी एंड एल मस्ट बी परपेंडिकुलर, बी फील्ड वेलोसिटी और लेंथ, ये तीनों परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ना यहीं पे देखो, मान लो मैं इस फिगर को ऐसे दिखा दे, क्या मेरे थंब की तरफ बी फील्ड है? Yes, sir. क्या ये फर्स्ट फिंगर की तरफ वेलोसिटी और मिडिल फिंगर की तरफ लेंथ है? Yes, sir. Yes, sir. परपेंडिकुलर होना चाहिए। कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें इन तीनों में से कोई भी दो कंपोनेंट पैरेलल दे दिया गया, मान लो बी फील्ड और वेलोसिटी पैरेलल दे दिए, मान लो वेलोसिटी या लेंथ पैरेलल दे दिए, मान लो बी और एल पैरेलल दे दिए, कोई भी तीन में से दो पैरेलल दे दिया, आंसर जीरो है। If any two component becomes parallel, याद रखना motional EMF becomes zero. तीन में से कोई भी दो component अगर parallel हो गया motional EMF का value हो गया zero. क्या किसी को doubt यहां तक समझने में? आगे देखिए डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। अभी आपका क्या आया था, ऊपर वाला प्लस आया है नीचे वाला माइनस, बेफील्ड अंदर लेंथ है, ये डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? तो यहाँ पे इसको बहुत बेसिक वे से देखे हैं, हम लोग को पता चल गया ऊपर प्लस कैसे आया नीचे माइनस क्या आया। क्या हर न्यूमेरिकल में इतना सोचना होगा? बिल्कुल नहीं। डायरेक्शन ऑफ मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ का डायरेक्शन ऑलवेज यूज राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल यूज करना है भाई, राइट हैंड रूल क्या करना है? फिंगर्स होगा बीफील्ड की तरफ, थंब होगा वेलोसिटी की तरफ,
तो जो पाम है गिव्स डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ मोशनल ईएमएफ। अपने राइट हैंड को यूज करो, ये सारा फिंगर्स थंब छोड़ के सारा फिंगर बेफिल्ड की तरफ, थंब वेलोसिटी की तरफ, जो पाम आएगा जिधर उधर बैटरी का प्लस बनेगा, बैटरी का प्लस बनेगा, बैटरी का प्लस बनेगा। मतलब यहां देखो, बेफिल्ड अंदर, वेलोसिटी उधर, पाम ऊपर आ रहा है। तो आप मान लीजिए कि ऊपर वाला एंड प्लस, नीचे वाला एंड माइनस है। आप ये मान लीजिए कि यहां अगर आप एक बैटरी बनाते हैं तो प्लस ऊपर माइनस नीचे है। बोलो समझा? Yes, देखो बताना, ये मान लो मेरे पास, अब क्वेश्चन जैसे आता वो सुनो। ये मान लो 10 ओम का एक रजिस्टर है, यहां पे एक बेफिल्ड है 0.4 टेस्ला का, 0.4 टेस्ला। यहां पे एक स्लाइडिंग वायर है जिसका लेंथ यहां से यहां तक 0.3 मीटर है, और ये स्लाइडिंग वायर लेफ्ट की तरफ जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से। तुमसे बोला गया कि इसमें जो एग्जिस्टिंग करंट है ये बताइए, करंट कितना एग्जिस्ट करेगा। अब स्टूडेंट परेशान, उसको आज तक तो ऐसा न्यूमेरिकल दिख रहा था, तो बैटरी भी दिखाई दे रहा था कि हाँ बैटरी दिया हुआ है, लेकिन अब बैटरी नहीं देगा, अब न्यूमेरिकल्स में बैटरी नहीं देगा। अब क्या करेगा ना, पूरा करंट, पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कॉपी होगा, बस बैटरी नहीं देगा, बैटरी के जगह पे ऐसा कुछ देगा। समझ में आ रहा है? यहाँ बैटरी है, बताओ तो उस बैटरी का ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना है? क्या इस बैटरी के ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बी वी एल है? बी वी एल? यस सर, यस सर, यस सर। बताओ प्लस उसका किधर है, ऊपर की नीचे? नीचे, नीचे है। वेरी गुड, बेफिल्ड वाला। तो आप अब इसको क्या मानेंगे ना, दिस इज इक्विवेलेंट विथ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट जो ऐसा है, ये 10 ओम का रजिस्टर, यहां पे एक बैटरी जिसका मोशनल ईएमएफ आप बीबीएल से निकाल लीजिए, देन फाइंड करंट। अब करंट निकालो, करंट इधर नहीं जाएगा उधर जाएगा, जाएगा तो जाएगा जिधर जाएगा जाएगा। ओके, फाइंड करंट कर लोगे? यस सर। हां सर, अब एक और क्वेश्चन देखो, उसमें बताओ पोलैरिटी, प्लस किधर है? ये आर 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 आर, एक स्लाइडिंग वायर जिसका नाम है ए बी, एक स्लाइडिंग वायर जिसका नाम है सी डी। ये स्लाइडिंग वायर इधर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये स्लाइडिंग वायर उधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, और इस पूरे एनवायरनमेंट में एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला का, और अगर आपको लेंथ चाहिए तो यहां से यहां तक का लेंथ है 0.2 मीटर। बोला गया चलो जी करंट निकालो, करंट करंट निकालो, करंट कितना होगा ये निकालो। कैसे बनाओगे बोलो, कैसे बनाओगे बोलो? सर पहले वो जो आर, पहले उसको रिमूव कर देंगे बीच से, और उसके बाद में सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। मतलब राइट हैंड साइड वाला जो रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएगा? डैश ब्रिज? यस सर, विट स्टोन ब्रिज, ये वाला खुल जाएगा। सही है? हाँ सर, वो रिमूव हो जाएगा बीच वाला, ये रिमूव हो जाएगा। मतलब पहले आपको करंट यूज करना, देखिए हम तो ये बोलेंगे कि ये न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का, हम तो ये बोलेंगे कि ये न्यूमेरिकल करंट इलेक्ट्रिसिटी का, बस बैटरी देने के जगह पे मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट है ना ऐड कर दिया गया। बोलो सही है? हाँ सर। इसका पॉजिटिव किधर? नीचे, नीचे नीचे तरफ से। इसका पॉजिटिव
ऊपर। ऊपर उसके बाद किरचॉफ्स रूल, जंक्शन रूल, किरचॉफ्स रूल, लूप रूल, जो लगाना है लगाओ, सॉल्व करो आंसर। कोई मतलब नहीं है ईएमआई का। ईएमआई का मतलब बस यही है कि भाई यहाँ बैटरी बना ले तुम, बाकी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है। समझ में आ रहा हम क्या बता रहे हैं? सर। ठीक, तो ये चीज था तुम्हारे पास, एक चीज ध्यान रखना। आगे कुछ पॉइंट्स पे गौर करो। कभी कभी होता है इरेगुलर शेप्ड कंडक्टर का फॉर एनी इरेगुलर शेप्ड वायर या कंडक्टर। मान लो कोई इरेगुलर शेप्ड का वायर या कंडक्टर है, जैसे ऐसा है, ए है, ये पॉइंट बी है, और आप उसको इस तरह के बिफिल्ड में रखे हैं, लेकिन आप इसको खींच रहे हैं इधर वी वेलोसिटी से। बोलेंगे भाई देखिए आपको है ना फाइंड आउट करना है इसके ए और बी के अक्रॉस का जो मोशनल ईएमएफ बन रहा है उसको। तुरंत दिमाग में ख्याल आया कि ओके बीबीएल बीबीएल, लेकिन एल क्या लेगा? एल क्या लेंगे? बिल्कुल, हम वही चाह रहे थे सुनना। बिल्कुल तुम ठीक बोला, एल इफेक्टिव लेंगे, एल इफेक्टिव लेंगे, ये होगा एल इफेक्टिव। सही है, ठीक है। थोड़ा एक चीज और बताना है पहले, अभी अभी सोचिए। एकदम सही बोले आप, बी भी एल इफेक्टिव लेंगे, लेकिन एक बात पूछ रहे हैं जी सुभजीत, क्या तुम्हारा ये जो एल इफेक्टिव है वो बिफिल्ड के ऊपर नॉर्मल है? अभी तो आप पढ़े थे ना कि बी भी और एल तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ सर, उसका कंपोनेंट डिवाइड करना पड़ेगा सर वेरी नॉर्मल गुड, वाला। वेरी गुड। एक्चुअली आपको एल इफेक्टिव का वो कंपोनेंट चुनना पड़ेगा जो हमारे वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर हो। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आई? यस सर। क्या सबको मेरी बात समझ में आ रही है कि आपको एल इफेक्टिव लेने से खाली काम नहीं होगा, आपको इस एल इफेक्टिव का वो पार्ट लेना पड़ेगा जो हमारे, देखो, जो हमारे बीफिल्ड पे भी परपेंडिकुलर है, जो हमारे बीफिल्ड पे भी परपेंडिकुलर है, जो हमारे वेलोसिटी पे भी परपेंडिकुलर। सो दिस इज योर वैल्यू। ओके, क्या यस सबके लिए बात समझ में आया? सर। ठीक, एक दो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारे पास एक सेमी सर्कुलर वायर है, इस तरह के बिफिल्ड में रखा है, और आप इसको ऊपर की तरफ वी वेलोसिटी से खींचते हैं। ये एंड ए है, ये एंड बी है, इस सेमी सर्कल का रेडियस आर है। बताओ जरा इसके ए और बी के अक्रॉस में मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा या नहीं? सर होगा सर, VV2R सर। वेरी गुड, होगा, बिल्कुल होगा, और वो होगा कितना? तो बी बी इंटू टू आर, बिल्कुल सही। अब जरा ये भी बता दूं भाई कि ए और बी में कौन होगा हायर पोटेंशियल पे और कौन होगा लोअर पोटेंशियल पे। नहीं समझ पा रहे हो? यूज योर राइट हैंड, देखो बैटरी का प्लस किधर बनने का। अच्छा, इसका इफेक्टिव लेंथ ये ले रहे हो तुम लोग? हाँ सर, 2R सर। ठीक, अब बीफील्ड अंदर वेलोसिटी ऊपर, तो पाम आ रहा लेफ्ट की तरफ। हाँ बोलो सर, एक बोलो, दो पाम किलो। आ रहा लेफ्ट की तरफ। यस सर। पाम लेफ्ट कहने का मतलब ए है हायर पोटेंशियल एंड बी इज लोअर पोटेंशियल। समझे क्या सब कोई? आवाज नहीं आया? दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, इसका नाम है एबीसी। इस तरह का एक बीफील्ड है और इस पूरे लूप को राइट की तरफ पकड़ के खींचा जा रहा है,
एबीसी किस ब्रांच में मोशनल ईएमएफ जीरो? सर एसी पे वेरी गुड वेरी गुड। एसी का मोशनल ईएमएफ जीरो, क्यों जीरो? वेलोसिटी वेलोसिटी जो है वो लेंथ के साथ पैरेलल है, इसलिए मोशनल ईएमएफ जीरो। चलो खत्म एसी। अब बताओ मोशनल ईएमएफ हम लोग बीसी का लेंगे तो क्या हम लोग बी भी लेंथ बीसी पुट कर दें? और अगर हम मोशनल ईएमएफ एबी का लेंगे तो बी भी एल एबी का परपेंडिकुलर लेंगे? क्या एल ए बी का परपेंडिकुलर बी सी ही होगा? यस सर रुक जाए यार, कुछ कुछ हो रहा है इधर। रुक जाओ। तो यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं ये नीचे कट कर दे रहे हैं, ये हम लोगों का बी बी लेंथ बी सी होगा। अब जरा सोचिएगा सोचिएगा, एसी में तो कोई मोशनल ईएमएफ था नहीं, जरा बताओ एबी का जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा उसका प्लस किधर? सर ऊपर साइड सर ऊपर साइड। कंफर्म ना सब कोई? यस सर ये आप बताओ बीसी का मोशनल ईएमएफ का प्लस किधर? ऊपर सर बी के तरफ ऊपर की तरह। वेरी गुड। अब जरा बताओ पूरे लूप का मोशनल ईएमएफ कितना? पूरे लूप में जो ईएमएफ डेवलप हुआ वो नेट कितना? बोलो जीरो। जब तुम वी नेट निकालोगे एबी बीसी और सी ये सब जोड़ोगे जब, अरे सर अरे अरे यार लूप रूल लूप रूल, जब हम लोग ए से बी गए तो लिखेंगे प्लस बी भी एल बी सी ये वाला, और फिर माइनस बी बी एल बी सी और लास्ट वाला जीरो है ही, तो ये कट कटा के जीरो आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया? सर रूही समझे? रूही यस सर शिवानी यस सर समझ में आ रहा है? हाँ सर चलो ठीक। तो ये चीज था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम पड़ने वाला है। देख लो यहाँ ध्यान से, डायरेक्शन है, ये आया कैसे इसका मैग्नीट्यूड बीवीएल वो देख लो, फिर उसके बाद डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड कर रहे हैं वो देख लो, फिर उसके बाद इफेक्टिव वैल्यू कितना लेंगे वो तुम्हारे सामने है, ये चीज चला। ध्यान से देखो यहाँ पे तुम्हारे सामने फिगर शोज एन इरेगुलर शेप्ड विथ ए बी मूविंग विथ वेलोसिटी वी एज शोन इन फिगर, ठीक है। फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर, वायर में ईएमएफ इंड्यूस्ड लेना है। अब देखो इन दोनों के बीच का गैप एल दिखा दिया, क्या पूरा एल लेने से तुम्हारा आंसर आ जाएगा? आप यहाँ पे एंगल उंगल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग को कॉन्सेप्ट डेवलप करना है। ये तुम्हारा लेंथ दिया हुआ है एल, ओके आप एल नहीं लीजिएगा। दो काम कीजिए, या तो एल का वो कंपोनेंट लीजिए जो हमारे इस भी पे परपेंडिकुलर हो, या भी का वो कंपोनेंट लीजिए जो एल पे परपेंडिकुलर हो, दोनों बात एक ही होती है, ओके सर समझ में आ रहा सबको? यस सर
यस सर। तो जो मोशनल ईएमएफ आप वहां पे एबी के अक्रॉस में डेवलप करेंगे उसमें आप बी अच्छा होगा भी परपेंडिकुलर इनटू एल लिख दीजिए, भी का ये परपेंडिकुलर पार्ट निकाल लीजिए। वो तो एंगल उंगल दिया रहता है, न्यूमेरिकल रहता प्रॉपरली तो एंगल दिया रहता। अब आप उसको सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर लिख लीजिए, करेक्ट है। बस तुम हमको एक बात बता दो, बस तुम हमको एक बात बता दो, ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन है? ए और बी में हायर पोटेंशियल कौन? सर बी। बी, बी हायर पोटेंशियल है क्योंकि इफेक्टिव लेंथ ये है, बी इज हायर पोटेंशियल। हाथ लगा के सब कोई चेक करो, बी फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, पाम नीचे, बी होगा हायर पोटेंशियल, ए इज लोअर पोटेंशियल। ओके, समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है 0.4 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मूव्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन। लेंथ दिया है 0.4 मीटर, बेफिल्ड दिया है 0.9 वेबर पर मीटर स्क्वायर, विद्या वेलोसिटी भी दिया है 7 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर अंडर द कंडीशन व्हेन इट इज मैक्सिमम। अच्छा ये क्या लिखा है, अंडर द कंडीशन व्हेन इट इज मैक्सिमम, बताओ तो ये क्या लिखा है? So, जब तीनों परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो लिखा है अंडर द कंडीशन व्हेन इट इज मैक्सिमम मतलब बी भी एंड एल आर परपेंडिकुलर, मतलब आप सीधा सोचो मोशनल ईएमएफ इज इक्वल्स टू बी वी एल मल्टीप्लाई कर दो आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। अब इस क्वेश्चन को देखो, हम एक दो बता देंगे फिर बहुत सारा चीज सेलेक्ट करके आपको भेज देंगे, आप दिमाग दौड़ाइएगा, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। लिखा है स्क्वायर मेटल वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस 1 ओम इज मूव्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन, भी दिया है वेलोसिटी दिया है बी फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइज परपेंडिकुलर एंड दिस लूप इज कनेक्टेड टू नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम। ये देखो क्या बोलते हो, यहाँ पे कुछ दिमाग लग रहा है? हाँ, इसको खोल के हटा देंगे, तीन और तीन छह, सॉल्व कर लेना अपना, यहाँ सॉल्व करना है तुम्हारा। द रेजिस्टेंस ऑफ द लेड वायर्स ओएस एंड पीक्यू आर निकले, मतलब उसको छोड़ के और कहीं रेजिस्टेंस है नहीं। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द लूप सो एज टू हैव अ स्टेडी करंट ऑफ 1 मिली एम्पियर। आपको करंट जो चाहिए वो 1 मिली एम्पियर चाहिए। आप वहां से ऑलरेडी आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, तो क्या इसको पहले सॉल्व करके आपको कितना मोशनल ईएमएफ चाहिए वो निकाल लीजिएगा। यस सर। अच्छा, और सोचो हम इसको नाम दे देते, हम थोड़ा इसको नाम दे देते, ए बी, बी से सी सोचना, ठीक है, सी और डी। अच्छा तुम ये बताओ सोच के, जब तुम इसको वी नॉट से राइट की तरफ खींच रहे हो तो इस लूप में जो मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा वो ए बी पोर्शन के कारण होगा, बी सी पोर्शन के कारण होगा, सी डी पोर्शन के कारण होगा, या डी ए पोर्शन के कारण होगा, किसके कारण होगा? सर ए डी, ए डी पोर्शन के कारण। ए बी बोले कि ए डी बोले? सर ए डी। वेरी गुड, ए बी क्यों नहीं? सर वो पैरेलल है वेलोसिटी के साथ। गुड, बी सी क्यों नहीं? सी डी में पैरेलल है। बी सी क्यों नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। वेरी गुड, सी डी पैरेलल, बच गया ए डी, तो मतलब समझ जाना ये जो मोशनल ईएमएफ लोगे ना उसमें बी बी लेंथ केवल आपको ए डी का लेना है। सॉल्व कर दीजिए आंसर, बोलो समझा? बी नॉट yes, निकालना। अब इतना बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल स्टंट देख के छोड़ दे, अरे यार ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का न्यूमेरिकल है, तुम ये सब चीज अगर नहीं पढ़ा होगा तभी तुमको प्रॉब्लम होगा, नहीं तो सब पढ़ा के रखा गया पहले से। ओके,
क्या किसी को डाउट? सर अभी कुछ टॉपिक बताए सर नया। नहीं नहीं यही बता, यही बता रहे, ठीक है। चलो ये देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचो कैसे बनेगा। अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज केप्ट पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द वायर विद अ वेलोसिटी वी, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द वायर व्हेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्ग वायर इज एक्स। कैन यू इमेजिन व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए न्यूमेरिकल दो तरह का आपको हम समझाते हैं, आपको न्यूमेरिकल कैसे पहचानो। एक ये न्यूमेरिकल जिसमें एक अच्छा सा फिगर सिचुएशन के हिसाब से दे दिया, क्वेश्चन बिकम्स मच मच इजियर बिकॉज आपको क्वेश्चन दिखने लगा। देखो क्वेश्चन दिखने, क्वेश्चन पढ़ने, क्वेश्चन सुनने सब में अंतर होता है। क्वेश्चन सुनना मतलब कोई बोल रहा है तुम सुनो, जैसे हम बोलेंगे कंडक्टर इज मूविंग विद वेलोसिटी दिस 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 दिस, ले क्वेश्चन ना दिखा ना पढ़ा तुम सुना। दूसरा होता है क्वेश्चन पढ़ना, लिखा हुआ चीज पढ़ो। और तीसरा होता है क्वेश्चन देखना, आंख से देखो वो करा। जब आप पढ़ते और देखते हैं साथ में तो क्वेश्चन का मैक्सिमम चांस होता है बन जाएगा। क्यों? देख भी रहा है और पढ़ भी रहा है, सिचुएशन को मिला रहा है। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसा होता है जिसमें इमेज नहीं देता, डायग्राम नहीं देता, तो यहां केवल आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और खुद से एक इमेज क्रिएट करते हैं अपने दिमाग में, उस सिचुएशन को पढ़ के खुद से एक इमेज क्रिएट करते हैं दिमाग में। अगर आप इमेज सही बना लिए जैसा वो क्वेश्चन दे रहा है तो लगभग फिर से न्यूमेरिकल बनने का प्रबल संभावना हो जाता है। क्या आप इसको पढ़ के इमेज बना पा रहे हैं अपना कि कैसा है ये क्वेश्चन? यस सर। थोड़ा बताओ अपने बोलचाल की भाषा में क्या हो रहा है। सर लॉन्ग वायर के कारण जो विषय बनेगा सर वो ये स्मॉल लेंथ का जो वायर है उसको दूर ले जाएंगे वेलोसिटी के साथ, वो परपेंडिकुलर बनेगा एक्स डिस्टेंस पे है, उससे एक्स डिस्टेंस पे इसका बी फिल निकालेंगे और बी वी एल लगा देंगे। वेरी गुड। ये वायर है भाई, ये वायर में करंट है। अब तुमको पता है कि जैसे जैसे वायर से दूर जाते हो बी फिल घटता है। एक वायर जिसको लेके आपको दिया गया है बहुत इंटरेस्टिंग बोल रहा है क्या ना, अ रॉड ऑफ लेंथ एल इज केप्ट पैरेलल टू अ लॉन्ग वायर, मतलब इसके पैरेलल। पैरेलल रखने से, इस रॉड को पैरेलल रखने से क्या इस पे बी फील्ड वेरिएबल मिलेगा या इस पे बी फील्ड कांस्टेंट मिलेगा? कांस्टेंट मिलेगा। गुड। 4/2 एक्स। तो यहां पे एक तो बी फील्ड अंदर आपको मिलेगा लेकिन जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, म्यू नॉट बाई 4π2i/x। तो लेंथ हो गया, वेलोसिटी दिया है विद अ वेलोसिटी वी, अवे ले जा रहे हैं, तो क्या हम लोग मोशनली में फ्लिकते सीधा बीबीएल? बीबीएल सर। समझ में आया सबको? यस सर। ये देखो इसको अच्छे से, इसको देखो अच्छे से, दिमाग दौड़ाओ। रेक्टेंगुलर लूप एस ऑन इन फिगर मूव्स अवे फ्रॉम इनफिनिटली लॉन्ग वायर कैरिंग अ करंट दस, फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द रेक्टेंगुलर लूप। क्या वो ईएमएफ इतना आएगा? बताओ बताओ बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? चेक कर देख सकते। देखो ये पोर्शन है ए बी सी डी, तुम पहले ये बताओ कि मोशनल ईएमएफ बनेगा तो किसके कारण बनेगा, ए बी के कारण, बी सी के कारण, सी डी या डी ए, किसके कारण बनेगा? सर बनेगा तो सर ए बी ए डी के कारण बन सकता है और बी सी के कारण बन सकता है सर। ए बी और सी डी में क्या प्रॉब्लम है? सर पैरेलल पैरेलल इशू।
वेरी गुड, चलो हो गया काम, हो गया काम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किसका बी फील्ड कम है, बीसी का या एडी का? बीसी का। अगर इसका बीसी का बी फील्ड कम है तो वहां कम ईएमएफ बनेगा या ज्यादा बनेगा? सुनो, जो मोशनल ईएमएफ आप बीसी में डेवलप करेंगे उसको आप लिखिए बी फील्ड एट बीसी इनटू लेंथ इनटू वेलोसिटी, और ये वैल्यू हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x प्लस बी। सही है। और जो मोशनल ईएमएफ आप एडी में डेवलप करेंगे वो बी फील्ड होगा एडी लेंथ इनटू वेलोसिटी, यहां हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई एक्स साथ में एल इंटू बी। चलो अब पोलैरिटी बताओ, क्या इस करंट की वजह से इधर जो भी बी फील्ड होगा वो बोर्ड के अंदर होगा? यस सर। तो बताओ एडी वाले वायर में जो मोशनल ईएमएफ डेवलप हुआ उसका प्लस किधर? सर ए की तरफ। सर ए की तरफ। और बीसी वाले का? बी की तरफ। बी सर। तो अगर लूप रूल लगाओगे तो दोनों एक प्लस है तो एक माइनस है, इसलिए यहां देखो माइनस लगाओ। अगर बी नेट लोगे तो मोशनल ईएमएफ एडी माइनस मोशनल ईएमएफ बीसी, वैल्यू पुट कर दो आंसर। समझे क्या? यस सर। अच्छा ये सब आप छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसको बता रहे हैं क्योंकि इसमें हमको बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताना है। यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये हमको ज्यादा डिस्कस नहीं करना, हमको आपसे दूसरा चीज डिस्कस करना है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम ऊपर कुछ नहीं देख रहे हैं, आपको जो हम नीचे पढ़ाएंगे उसमें आपको सब चीज का आंसर मिल जाएगा, जो हम इसमें जोड़ने जा रहे हैं सब चीज का आंसर मिल जाएगा। ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं, आपको हम जब पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको सब आंसर मिल जाएगा, तो आप इस टॉपिक को पहचानिए। एक्चुअली इसको हमको एक टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है कि जब हम लोग किसी कंडक्टर को भी वेलोसिटी दे देते हैं तो उसके अक्रॉस में मोशनल ईएमएफ डेवलप हो जाता है। मोशनल ईएमएफ अगर डेवलप हो जाता है इसका मतलब है कि वहां एनर्जी क्रिएट हो रहा है, क्योंकि आप चाहोगे तो बल्ब जला सकते हो, आप फैन चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसका मतलब एनर्जी क्रिएट हो रहा है या एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है? एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है सर, एनर्जी क्रिएट कैसे हो? तो एनर्जी कन्वर्ट किससे किस में हो रहा है सुभजी? मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर मैकेनिकल एनर्जी कहां से आया? अब चीजों को थोड़ा ध्यान से देखो। अच्छा हम आपसे कुछ पूछते हैं। ये एक स्लाइडिंग वायर है, रजिस्टर है, बी फील्ड है, सब देख रहे हैं आपको। अगर हम इस वायर को राइट की तरफ धक्का दे दें भी वेलोसिटी से, तो क्या ये खुद ब खुद भी वेलोसिटी से ही हमेशा चलता रहेगा, या उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, या उस रॉड का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा? तुम क्या बोलते हो? चलिए आप समझिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे इस रॉड को एक वेलोसिटी दिया गया है राइट की तरफ भी, एट एनी इंस्टेंट रॉड हैव वेलोसिटी भी, सो डेल वी मोशनल, लिखते हैं बीवीएल। आगे सुनो। अब अगर यहां पे मोशनल ईएमएफ है तो उसका प्लस किधर, बोलो जरा? ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस, ये रहा मोशनल ईएमएफ। तो प्लस अगर ऊपर है तो इसमें करंट दौड़ेगा, ये रहा करंट,
करंट होगा ना सर। क्या हम लोग उस करंट को लिख दें ऐसे, मोशनल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो इट इज बीबीएल बाय आर। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब सोच के बताओ सब कोई, थोड़ा पिछला चैप्टर, चलो पिछला चैप्टर। अगर मेरे स्लाइडिंग वायर में करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर, वर्ड्स सुनना, करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। इज दिस क्लियर? यस सर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फोर्स? बीआईएल। बीआईएल का डायरेक्शन बताओ, राइट, यूज करो राइट हैंड रूल। लेफ्ट की तरफ होगा, बी फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, बात करता हूँ, बी फील्ड अंदर, करंट ऊपर, पाम मतलब ये जो आपको दिख रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है जो कंडक्टर के ऊपर लग रहा है। ड्यू टू दिस वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, ड्यू टू दिस करंट इन रॉड देयर इज मैग्नेटिक फोर्स and that magnetic force can be written as B I L. जो magnetic force उस पे लग रहा है, that can be written as B I L. I के जगह ये put करेंगे, direction पीछे है, तुम एकदम सही बोला, velocity घटेगा, लेकिन चलो जरा देखते हैं क्या हम लोग उस magnetic force को B I L, B I के जगह पे B भी L by R into L, मतलब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो गया B स्क्वायर B L स्क्वायर by R। बोलो सही है? हाँ सर। तो सुभजीत जो तुम बोले एकदम सही बोले कि सर वेलोसिटी घटेगा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट में है वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी घटेगा। सुभजीत अगर हम तुम लोग से पूछ ले कि टी टाइम के बाद उसका वेलोसिटी निकालो तो कैसे निकालोगे? नहीं बनेगा। कोई और कुछ बोलना चाहता है? हाँ बोलो ना। देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स आया है मास इनटू एक्सेलरेशन बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाय आर, तो यहां से तुमको एक रिटार्डेशन मिलेगा। तुम देख ही चुका रिटार्डेशन क्यों बोल रहे हैं, बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाय आर इनटू एम। ओके ये रिटार्डेशन है। आप बोले कि सर v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगा के सर v निकाल लेंगे, या s इक्वल्स टू यू टी प्लस एटी स्क्वायर लगा के s निकाल लेंगे, कुछ भी करेंगे। हम बोले नहीं बनेगा। कोई अभी बता सकता है क्यों नहीं बनेगा उससे? अरे भाई थोड़ा मैच्योर बन। वेरी गुड, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी है, ये वेरिएबल है। अगर ये वेरिएबल है तो कुछ भी अगर आगे निकालना हुआ, टू फाइंड अननोन्स यूज कैलकुलस। कैलकुलस लगाओ। अगर कुछ यहां से अगर पूछा गया, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, हम कम से कम 10 से 20 न्यूमेरिकल का बात कर रहे हैं खाली एचसीबी में अकेले। मॉड्यूल बनाओ, डीपीपी बनाओ, सब जगह इसका क्वेश्चन मिलते रहेगा। हाँ उतना देर के बाद वेलोसिटी बताइए, 4 मीटर के बाद बताइए, 2 सेकंड के बाद बताइए, और हर बार स्टूडेंट यही करेगा, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देगा। गलत बात, गलत गलत। याद रखना यहाँ पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जिसको तुम बोल रहे हो वो वेलोसिटी का फंक्शन है। अगर ये वेलोसिटी का फंक्शन है तो आपको यहाँ कैलकुलस यूज करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए ठीक है। अब हम आपसे एक चीज चाहते हैं ये बताना कि अभी तो पता चल गया कि अगर हम उसको एक बार थ्रो करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे रुकने लगेगा, स्लो डाउन होगा। लेकिन ना ना, हम नहीं चाहते कि स्लो डाउन हो, हम चाहते कि उसका वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली मेंटेन रहे, भी से चल रहा था चलते रहे।
तो क्या हमको मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ही एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना होगा? टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। भाई कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? सर जितना उसका अपोजिंग फोर्स हो रहा है। कितना एक्सटर्नल फोर्स चाहिए? तो जस्ट मैग्नेटिक फोर्स के बराबर लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। तो आपको एफ एक्सटर्नल चाहिए बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। बोलो सही है। अच्छा बी स्क्वायर नहीं था, बी स्क्वायर बी स्क्वायर भी एल स्क्वायर बाई आर। इतना एक्सटर्नल फोर्स राइट की तरफ लगेगा तब वो मोशन आगे प्रोसीड करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगा। अच्छा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो जरूर उस पर्सन को जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसके वेलोसिटी को कांस्टेंटली मेंटेन रखा है उसको पावर लग रहा होगा, तभी तो वो पावर से है ना उसके वेलोसिटी को मेंटेन किया। आखिर ये कितना पावर डिलीवर कर रहा है? एफ हाँ बिल्कुल सही, पावर डिलीवर बाई एक्सटर्नल एजेंट। ये जो मेरा एक्सटर्नल एजेंट है वो कितना पावर डिलीवर किया? फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो पावर डिलीवर का वैल्यू हो गया है बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। अच्छा सोचो सोचो सोचो, ये जो आदमी अपना पावर डिलीवर किया, देखो ये फोर्स है ये वेलोसिटी है, पावर आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर। मतलब उस रॉड के वेलोसिटी को कॉन्स्टेंटली अगर आप मेंटेन रखना चाहते हैं तो आपको इतना पावर लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं, वेलोसिटी मेंटेन रखते हैं, इतना पावर लगा दिए। अच्छा वो पावर गया कहाँ फिर? सर्किट को देखो, बताओ वो पावर कहाँ गया? वो पावर कहाँ गया? किसी का भी ध्यान आप में से इस रजिस्टर पे नहीं जा रहा है? रजिस्टर से लगातार करंट फ्लो करेगा तो क्या रजिस्टर गर्म होके हीट या रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी लॉस करेगा? यही रजिस्टर एनर्जी का लॉस करता है। नाउ नाउ पावर डिसिपेटेड थ्रू रजिस्टर। रजिस्टर कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, पावर का लॉस कर रहा है? फॉर्मूला याद करो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू तुम यहां निकाल रखे हो बी भी एल बाई आर, ये आई निकाल रखे हो। जब तुम स्क्वायर करोगे आर से डिवाइड करोगे ऐसे, तो क्या ये भी एल स्क्वायर बाई आर ही बचेगा? यस सर, गौर यस करना, सबसे इंपॉर्टेंट सर। लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट, जितना एक्सटर्नल एजेंट पावर डिलीवर कर रहा है ताकि उस रॉड का वेलोसिटी मेंटेन रखें, एग्जैक्टली उतना ही पावर जो है वो हीट या रेडिएशन के फॉर्म में रजिस्टर से लॉस हो रहा है। इज दिस क्लियर? पावर लॉस उतना ही है जितना कि पावर डिलीवर है। बोलो सही है। यस सर, तो जितने पावर का लॉस हो रहा है रजिस्टर से, एक्सटर्नल एजेंट उतना ही पावर डिलीवर भी कर रहा है। तो क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग में है जैसे आप पढ़े हैं पहले से? यस सर, आप बोल सकते हैं ऐसे कि ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फॉलोज
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ही हिसाब से है। तो जहां भी कोई तुमको ये समझाए, ये बताए या ऐसा लिखा रहे कि एनर्जी जनरेट हो रहा है या एनर्जी जनरेट नहीं हो रहा है, यहाँ एनर्जी बस मैकेनिकल फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, बोलो समझे? यस सर। चलो अच्छे से फिर से पीछे से एक बार देख लो, कहीं कोई डाउट हो बात करो। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या था, टू पैरेलल वायर AL एंड BM प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस I कनेक्टेड बाय अ रेजिस्टर R प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B व्हिच इज परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड दिस। अनदर वायर CD नाउ कनेक्टेड टू टू वायर्स परपेंडिकुलर एंड मेड टू स्लाइड विद वेलोसिटी V। कैलकुलेट द वर्क डन पर सेकंड। क्या निकालना है? वर्क डन पर सेकंड। अरे यार वर्क डन पर सेकंड पावर है, नहीं यस सर, पावर डिलीवर है। क्या लिखा? वर्क डन पर सेकंड टू स्लाइड वायर सीडी। सीडी वायर को स्लाइड करने में कितना पावर लगेगा तुमको ये निकालना है, ठीक है? निकाल चुके आप कितना पावर लगेगा, आप निकाल चुके कितना पावर लगेगा उसको स्लाइड करने में। उसको स्लाइड करने में पावर लगेगा v² l² भैया। लेकिन इतना आंसर के अलावा आपको बहुत कुछ समझाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इज दिस क्लियर? यस सर। चलो ठीक है, यहीं तक आज रखते हैं। बड़ा पोर्शन आप है ना कवर कर लिए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल का जो 70% काम है ना लगभग हो चुका है। देखिए दूसरा क्लास है आज, हम आपको बोल रहे हैं न्यूमेरिकल का 70% काम हो चुका है। ये दो टॉपिक लगभग 70% क्वेश्चन कंटेन करता है। न्यूमेरिकल्स बनाइए, ठीक है, और आराम से अब अगले दिन आगे बढ़ेंगे। कहीं किसी को डाउट? चलिए ठीक है, नेक्स्ट डे से आगे मिलते हैं। हम ये सारा डीपीपी मतलब ये सारा नोट्स भेज रहे हैं, आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल हम सेलेक्ट करके भेजेंगे उसको अच्छे से अगले दिन ट्राई करके बैठना, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है फिर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट।